राधे भगवान जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अच्छा, अब क्योंकि विवाह का उपलक्ष के उसमें सत्संग है तो कुछ हम लोग घरेलू बातें ले लें। सुखी रहने का उपाय, सुखी रहने का क्या उपाय है सब जानते हैं, है ना, सब जानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता। सब जानते हैं कैसे सुखी रहा जा सकता है लेकिन कोई नहीं जानता है, क्योंकि हर आदमी ये कहता है जब उससे मिलो कैसे हो फर्स्ट क्लास, कैसे हो बिल्कुल ठीक बहुत बढ़िया। अंदर खाने में वो जानता है कुछ भी बढ़िया नहीं है, अंदर में वो जानता है कि कुछ भी बढ़िया नहीं है। लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, दुख परेशानियां, बीमारी, तकलीफ घर घर में लगी हुई है, और ये सारा परिणाम है सोच का। जब हमारी सोच खराब होती है और चिंता फिकर लग जाती है तो चिंता चिता की ओर ले जाती है। चिता मतलब पहले बीमारी, पहले बीमारी आती है, तकलीफें आती हैं, सोच हमारी खराब होती है, निगेटिव होती है। गुरु के मिलने से पहले हम ये जानते ही नहीं है कि हमारी सोच निगेटिव है, नकारात्मक है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, हमारी बोली जो होती है, कभी आपने ध्यान दिया है अपनी बोली की तरफ? फलाने की बात आई वो शुरू, हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छा, सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है, शुरू में ही बात चली, ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की रचना है और उनकी लीला चल रही है, उनका खिलाया जाने वाला नाटक, वो खुद खिला रहे हैं सबको। उमा दारु जोशित की नाई सबई नचावत राम गोसाई। शिव जी अपना अनुभव कहते हैं पार्वती जी को कि उमा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपने के जैसा है जगत, जैसे हमें सपना दिखता है, आधार कुछ नहीं होता, सपने का आधार कुछ नहीं होता, दिखता है और बड़ा सच्चा दिखता है। सुबह उठो तो ऐसा लगता है कि आज तो ये देखा, आज तो ये देखा, आज तो ये देखा, डरावना देखा, घबराहट का देखा, परेशानी का देखा, कुछ भी देखा, खुशी देखी, पर ठहरता कुछ नहीं है। ऐसी संसार में हम लोग आए, कभी खुशी कभी गम, सब कुछ देखते हैं, जीवन घटनाएं चलती हैं, क्रम चलता है एक नाटक की तरह, नाटक में सब कुछ चलता है, घटनाक्रम चलते हैं,
स्क्रिप्ट लिखी हुई है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जन्मपत्री दिखवाई जाती है, जन्मपत्री बनवाई जाती है, दिखवाई जाती है। तो पंडित जी कहते हैं इसका ऐसा 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 जीवन होगा, तो कुछ 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 खाका बना हुआ है। नाटक में भी पूरा खाका बना रहता है, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। यहाँ भी इन्होंने आयोजन किया तो प्लानिंग करी, ये होगा, वो होगा, ऐसी सजावट होगी, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इसके बाद प्रसाद होगा, उसमें ये, उसमें ये, पूरा प्लानिंग करी गई। प्लानिंग के बाद उसका एग्जीक्यूशन वो फिर हुआ, ऐसा हुआ। अब उसमें कुछ कमी रह सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, एक नाटक का खाका बना हुआ है, एक मोटा मोटा एक जन्मपत्री हमारी बन गई, उसके हिसाब से इधर उधर थोड़ा बहुत ऊंच नीच, सुख दुख लाभ हानि, जीवन मरण मान अपमान, ये सब चलते रहते हैं। भगवान ने कहा हे अर्जुन, इनको तुम सहन करो। खुशी आवे तो ज्यादा खुश मत हो, दुख आवे तो ज्यादा परेशान मत हो, जैसा है वैसा उसको चलने दो। जीवन है, जीवन क्रम है, चलता है। हमारा ध्यान किधर रहता है? अब इसमें मेन बात आती है, हमारा ध्यान किधर रहता है? एक परिवार है, हम लोग रहते हैं। अब बिटिया की शादी हो रही है, नए परिवार में जा रही है। कभी आपकी हुई थी, नए परिवार में आए थे, फिर आपका बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी करी आपने, बहू आई, वो नए परिवार में आई, उसके लिए तो नया परिवार है। आप कहेंगे वासा वाह, हमारा परिवार तो बहुत पुराना है। आपका होगा पुराना, पर उसके लिए तो नया है। अच्छा, आते ही उसके हम शुरू हो गए, इसको जीना आवे, इसको जीना आवे, जे जीना जाने, जे पाए ना जाने, करे काए, जे कत्ती काए, जे सुबह 8 बजे सो के उठे, जे टीवी देखे, जे फलानो है, जे फलानो है, उसके बारे में हम एकदम शुरू हो गए। हमने उसको समय नहीं दिया एडजस्ट करने का, कोई नहीं देता, कोई घर वाला नहीं देता। कितनी सासें यहाँ बैठी होंगी, समय दिया अपने बहू को एडजस्ट करने का? हाँ, आपकी दृष्टि में आपने उसको बहुत समय दिया और उसकी दृष्टि में आपने उसको समय ही नहीं दिया। आप 2-4 दिन में चालू हो गई, वाह साहब वाह, 2-4 दिन तो दिए, ओहो बड़ा टाइम दे दिया आपने तो। 1 साल में तो जरा कोई सुधरता नहीं है। 10 साल हो जाते हैं सत्संग में आते आते लोगों को, तो नहीं सुधरते वो। सास कैसे सुधार लेगी 3 दिन में, या बहू को 3 दिन में क्या हो जाएगा, 3 दिन में कैसे परिवर्तित हो जाएगी? हमारे ही सत्संग में आते हैं लोग, 2 बेटे होंगे तो एक बहू की प्रशंसा करेंगी, एक बहू की निंदा करेंगी, एक बहू को डाउन कर देंगी, बुरी तरह बिहेव करेंगी, तुझे कुछ नहीं आता, तू ये नहीं, तू वो नहीं, तेरे घर से कुछ नहीं आता, फलानी नहीं, इसके घर से भी आता है, इसको सब कुछ आता है, ये मेरी तारीफ करती है, ये मुझसे बना के रखती है, तू कैसे करती है, तू ढंग से नहीं चलती, तू ढंग से बात नहीं करती, कंपेरिजन। उसका परिणाम दुख और क्लेश। सबसे ज्यादा सिर वही ला रही है जिनके 2 बेटे हैं और जो कंपैरिजन कर रही है। ये तो बढ़िया बात है। आप लोग, बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप सोच रहे होंगे मैं आपके बारे में नहीं जानता, पर बहुत सारे लोगों के बारे में जानता हूं। घरों की स्थितियां पता है, कैसे पता है आप सोचेंगे, आपको कैसे पता? आपके घर वाले कभी कभी आकर बता जाते हैं और आपके बारे में। अब क्या कहूं, घर कैसे ठीक चले, तो आपको आता है ठीक चलाना, और इसीलिए सब दुखी हैं आपके। घर चलाना आपको बहुत अच्छे से आता है, आप लोग बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, सब जानते हैं आप। क्या नहीं जानते आप? हलवा बनाना जानते हैं आप? नहीं जानते? खिचड़ी आती है, रोटी आती है, सब्जी आती है, बहू से कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे डील किया जाए, आता है, बहुत ज्यादा आता है। लेकिन बहू कहती है ये बिल्कुल सास क्या कहती है बहू के लिए, ये सत्यानाश। घर घर की कहानी, चाहे इधर देखो चाहे उधर देखो, तो आपके ही घर की कहानी। सब लोग इधर उधर झांकते रहते, उधर देख रहा है, उधर देख रहा है। हमारे घर की ना है।
सबके घर की एक सी कहानी है। ये कौन नचा रहा है, ये पता है आपको कौन दुखी कर रहा है? एक है जो आपको दुखी कर रहा है और एक है जिसने घर घर नरक बनाए हुए हैं। सिर्फ एक है वो, उसने हर घर को नरक बनाया हुआ है और हर घर में परेशानियां क्रिएट कर रखी हैं, हर घर में बीमारी लाता है समय समय पर, बड़ी तकलीफ होती है, निरा पैसा खर्च हो जाता है, बड़ी दिक्कत से सब ठीक ठाक होता है। सत्संग में आते हैं कितनों के डिप्रेशन ठीक हो जाते हैं, कितनों के घर सुधर जाते हैं, कितने लोग सुखी हो जाते हैं, अंदर में प्रेम नहीं होता, प्रेम आता है, कितना अच्छा जीवन बन जाता है, कितनी खुशी आती है सत्संग में आने के बाद। तो वो एक कौन है जो घर बिगाड़ रहा है हमारा, जो तकलीफें क्रिएट कर रहा है, परेशान कर रहा है हमको, हमको भी, बहू को भी, शादी का मौका है ना, हमको भी, बहू को भी, घर वालों को भी, सबको परेशान किए हुए है। जो आप लोग जब सत्संग में जाते हैं तो आपके छोटे बच्चे होते हैं 6 साल के, 8 साल के या 10 साल के, पता है पीछे से क्या कहते हैं वो? हमें मालूम है क्या कहते हैं, अच्छा हुआ गई बिल्ली, गई अब चूहे खेलेंगे। When the cat is away, the mice will play, कहावत है इंग्लिश मेरी, मैंने नहीं कहा कुछ, ये तो कहावत है बहुत पुरानी। When the cat is away, mice will play, जब बिल्ली, वो आपको बिल्ली करार कर देते, चली जाती है तो चूहे खेलते। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं जब मम्मी या दादी चली जाती है, वैसी वाली दादी, जब प्रेम वाली दादी होती है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब दादी ना हमको पकौड़े बना के खिलाएगी, हमारे मनपसंद की चीज बना के खिलाएगी, अब मम्मी गई ना, अब दादी बना के खिलाएगी। मतलब देखिए घर घर की अलग अलग कहानी है, किसी किसी घर में होता है दादी मर गई, अब आनंद आ गया, अब आनंद आ गया, अब घर में खुशी खुशी रहेंगे। पर वो जो है वो चैन नहीं लेने देता कभी भी किसी को भी, वो एक है सिर्फ, और अगर उसको हम जीवन से हटा दें, निकाल दें, तो हमारा घर स्वर्ग हो जाए। थोड़ा सा दम लगेगा उसके लिए, उसको दम को अगर लगाने को तैयार हैं, उसको एक को जीवन से हटा दीजिए, सब स्वर्ग हो जाएगा, घर भी संसार भी सब, एक्सेप्टेंस आ जाएगी, विलिंगनेस आ जाएगी, आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, प्रसन्न रहने लगेंगे, कोई कुछ भी कहेगा आपको बुरा नहीं लगेगा, कोई कुछ भी कह दे आपको बुरा नहीं लगेगा। अभी तो कोई कुछ कह देता है तो हमको बुरा लग जाता है ना, फिर कुछ भी कह देगा हमको बुरा नहीं लगेगा, एक्सेप्टेंस आ जाएगी, ठीक है ठीक है ठीक, कुछ भी हो रहा है सब ठीक है। कहने को आप कह दोगे, जो आपको कहना है वो कह दोगे कि भाई ये बात हमें ठीक नहीं लगी है, ये बात सही नहीं है, जो भी आपको कहना है कह दोगे, पर आप परेशान नहीं होगे, नाराज नहीं होगे। नाराज का अर्थ पता है? गुस्सा, क्रोध, नाराज। जो राज को नहीं जानता, ना राज, जो राज को नहीं जानता, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है वो जानता नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो नाराज होता है, गुस्सा होता है, क्रोध आता है, चिल्लाता है, घर को परेशान कर देता है, कुछ 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 बोलता रहता है। माताजियों की एक आदत देखी है आपने? आपसे नहीं कह रहे, घरों में जो माताजियां होती हैं उनकी आदत देखी है आपने? बहुत बोलती हैं, ज्यादा बोलती हैं ना, और कोई कोई चुप रहती है बिल्कुल, घुन्नी जो होती है वो अंदर अंदर भन्न 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 होती रहेगी, चिड़ती कुड़ती रहेगी, कमजोर सी रहेगी, हड्डियां दिखती रहेंगी उसके, घुन्नी होती है। सब तरह के होते हैं घरों में, आपसे कुछ नहीं कह रहा, मैं घरों की बात बता रहा, घरों में जैसा होता है। बाबूजी लोगों का नंबर बाद में आएगा। खुशी का मौका है, थोड़ा हंस बस ले, हम हमारी आपकी बात थोड़ी हो रही है, ये तो घरों की बात हो रही है,
हम और आप तो दूध के धोले सत्संग में आने वाले स्पेशल बहुत अच्छे लोग हैं। हम तो मुस्कुराता चेहरा, स्माइलिंग फेस, हम लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो एक कौन है जो हमारे जीवन को नरक बना देता है? सिर्फ एक है वो, और वो हमारे जीवन से निकल जाए तो सब कुछ स्वर्ग हो जाए। सब कुछ घर नहीं, सब कुछ। फिर तो आप मार्केट में जाओ तो स्वर्ग है, जहां आप जाओ स्वर्ग है। बढ़िया ही बढ़िया है, सब अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। भले मन के वास्ते कहावत है, कोई बुरा नहीं लगेगा आपको, कुछ बुरा नहीं लगेगा, जो हो रहा है सब अच्छा लगेगा, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक। और सिर्फ एक है, उसका नाम है अहंकार। मैं को लेकर जितनी बात होगी, मुझसे ऐसे कह दिया, मुझसे ऐसे बोला, मेरी तरफ ऐसे देखा, मुझे यूं कह दिया। अरे हम जरा देर हो गई, जरा देर में घर से आए, इतनी देर कर दी, कोई बात है? कुछ भी कोई बोलेगा हमारे अहंकार को चोट लगती है। कोई हंस गया, देखो हमारे ऊपर हंस रहा है, अच्छा बड़ा बदतमीज है, एक क्या खुसर पुसर कर रहे थे, मेरी बात तो नहीं कर रहे थे। दूसरे कमरे में अगर बातें कर रही हैं कुछ और आप गए और वहां चुप हो गए वो लोग, तो इसका मतलब आपके बारे में बात हो रही थी। हो सकता है उनकी कुछ और प्राइवेट बात चल रही हो, हो सकता है। लेकिन मैं तो अगर मैं का भाव जीवन से निकल जाए, भगवान है, भगवान सब कराने वाले, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपके समर्पित हूँ, आप जैसे कराएं, जैसे चलाएं, जैसे रखें, दुनिया आपकी है, संसार आपका है, हे नाथ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है, मेरी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपके हाथ में, हे नाथ हम आपके हैं, हमारा जीवन आपका दिया हुआ है, सब आपकी लीला चल रही है, आपके नचाए अनुसार सब नाच रहे हैं, उमादार जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। जैसे एक बंदर वाला बंदर को नचाता है, बंदर उसके इशारों पर नाचता है, एक सपेरा सांप को नचा देता है, जो सांप कितना जहरीला जानवर है, सपेरा नचा देता है, भालू आदमी को मार देता है, भालू को नचा देते हैं पकड़ करके नचाने वाले। ऐसे ही भगवान सारे संसार को नचा रहे हैं। सारी शक्ति परमात्मा की, सारी शक्ति भगवान की, सारी लीला उन्हीं की, सब करने कराने वाले वही हैं। हम और आप क्या हैं? उनके हाथ की कठपुतली बस। अगर ऐसा जान लें, मान लें और अहंकार को जीवन से निकाल दें, मेरे करे कुछ नहीं होता, भगवान करने वाले, मेरी कोई शक्ति नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, हम तो प्रेम नहीं कर सकते, सारा प्रेम भगवान का है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ भगवान की शक्ति सामर्थ्य है। तो जब ऐसी समझ प्राप्त होती है, अहंकार जीवन से निकल जाता है, मैं जीवन से ये सब निकल जाती हैं बातें, समर्पित हो जाते हैं, हे नाथ मैं आपके समर्पित हूँ, समर्पित हो जाते हैं, तो देखते हैं जीवन लीला बहुत सहज हो जाती है। जहाँ समर्पण होता है वह सब काम भगवान, भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन तो मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सब ताप और पाप से मुक्त कर दूंगा, यानी मैं तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। भगवान, भगवान कर सकते, आदमी के हाथ में कुछ नहीं है। अपना दुख दूर करना चाहता है आदमी, कितना दम लगता है, कितना पैसा लगता है, फिर भी दुख दूर नहीं होता पूरा, और एक दुख जाता है दूसरा दुख आ जाता है। जीवन में आदमी देखता है एक दुख जाता है दूसरा आ जाता है, परेशानियां लगी रहती हैं, चिंता फिकर परेशानी, क्या होगा आगे, क्या होगा आगे को लेकर बहुत चिंता होती है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। दिन भर लोग वीडियो टीवी देखते रहते हैं और उनमें परेशानियों की चीजें दिखाते रहते हैं, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। बच्चे हॉरर मूवीज देखते हैं, डरते रहते हैं, अकेले कमरे में नहीं जाते, अंधेरे कमरे में नहीं जाते, डरते रहते हैं। गड़बड़ तो हम करते हैं जिंदगी में अपनी, अपने जीवन में हम ही कुछ गलतियां करते रहते हैं, और उन गलतियों के कारण हमारा जीवन सुख में नहीं हो पाता, हम सुखी नहीं हो पाते,
जब गुरु के पास आते हैं तो हमें सच्ची समझ मिलती है, क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए, समर्पण क्या होता है, कैसे हम भगवान के समर्पित हो जाएं, मौन रहना सीखें। एक बहुत बड़ा गुण है मौन, कुड़ता नहीं है, जो घुन्नी की बात नहीं कर रहे हम, घुन्ने आदमी की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो मौन रहते हैं आपने देखा होगा वो ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, वो बहुत सहन कर जाते हैं। और जो आदमी सहन कर जाता है उसके बहुत सारे पाप ताप तो वैसे ही नष्ट हो जाते। देखिए, हमसे कोई कुछ बोले हम चुप रह गए, हमारे कई कर्म कट गए, ये शास्त्रों में विधान है। शरीर पे आफत आवे, पैसे की कमी हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कर्म कटे, हमारा पाप कर्म कटे, कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी तभी तो कटेगा, दुख आएगा, खराब कर्म का फल है दुख। तो जीवन में दुख आएगा तो कर्म का, अच्छा अगर कोई बोल कर हमसे बुरी तरह बोल कर कर्म काट दे हमारा तो फायदे का सौदा है, ज्यादा फायदा है, शॉर्ट में कट गया। और वही दुख भोगना पड़े, हमारे जीवन में कष्ट आए तो ये सब बातें हम गुरु के पास आकर सीखते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं जो हमको हर समझ देते हैं, हमारी समझ को खोलते हैं, हर बात बताते हैं। कितनी शक्ति, कितना प्रयास गुरु का होता है तो जाके हमारे जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। कितने ज़्यादा शुक्राने हैं गुरु के जिन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया। हमारा जीवन तो दुखों में बीत रहा था, परेशानियों में बीत रहा था, कितनी तकलीफें थीं, कितना खराब सोच थी हमारी, कितना अहंकार था, कितनी निगेटिविटी थी। कितने शुक्राने गुरु के, गुरु मिले तो जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ। दसियों साल लग जाते हैं थोड़ा सा परिवर्तन आने में, इतने सालों की मेहनत गुरु की होती है हमारे ऊपर तो जाकर धीरे 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 परिवर्तन आता है, तो जाकर हमारी समझ। हम तो क्या बोलते हैं हमें नहीं पता। एक जनी से कहा कि गुरु का शुक्राना मानना, एक जगह जा रही थी तो गुरु का शुक्राना मानना, गुरु का प्रति अनुभव बताना, उसमें गुरु की हम बातें बताते हैं, गुरु ने कितनी मेहनत की, गुरु कितनी कुर्बानी देते हैं हमारे लिए, गुरु का जीवन सिर्फ कुर्बानी ही कुर्बानी है, देना ही देना होता है उनके जीवन में। तो उन्हें जाके बताना शुरू किया, गुरु मेरे लिए करते हैं, गुरु ने मेरे लिए किया, गुरु मुझे खाने को देते हैं, गुरु मुझे ये, ऐसे 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 बात उल्टा पुल्टा उठा लेते हैं हम। ये भी तो समझ नहीं होती बोलना क्या है। गुरु की महानता गानी है, अपनी महानता गानी है। तो सच में इतना शुक्राना निकलता है, सारी समझ गुरु खोलते हैं, हमको बोलना तक नहीं आता है। हम तो सिर्फ अहंकार में डूबे हुए, मैं घर में भी मैं करते रहते हैं, घर में लड़ाइयां लगी पड़ी हैं। उस मैं को जब हम समझते हैं कि मेरी मैंने ही तो सब कुछ बिगाड़ रखा है, मेरे अहंकार ने ही तो सारे घर को नरक बना रखा है, तो मुझे पता ही नहीं है। ये गाना है ना, चाह बर्बाद करेगी मुझे मालूम ना था। ये चाह क्या है, ये मैं से ही तो उत्पन्न होती है, मुझे ही चाहिए, मुझे ही मिले, मुझे पूछा जाए, मेरे मन की हो, ये सब अहंकार है और इसी से दुख है। और जब ये मैं गंव जाती है, नहीं, जैसे भगवान आप चाहें। गुरु के पास आकर हम यही तो सीखते हैं, जैसे भगवान आप चाहें। बोलना भी सीखते हैं, जैसे एक बच्चा जो है माँ से सीखता है बोलना, हम बोलना भी गुरु से सीखते हैं, कैसे बोलना चाहिए, किस प्रकार तुम्हारा जीवन अच्छा बने, लोग खुश हों तुम्हारे पास आकर, तुमसे बात करके खुश हों। हमारा जीवन तो ऐसा होता है, हमसे बात कोई करता है तो दुखी हो जाता है, और उल्टा। क्या हमारी आदतें हैं, क्या बकवास, जो मिलता है वो हमसे मिलकर के दुखी होता है, क्या है यार, बात ही करना बेकार है, ऐसी नेचर है हमारी। तो ये सब हम जब गुरु के पास आते हैं तो ये सब बातें समझ में आती हैं, हमारा जीवन सुधरता है। गुरु भगवान के लाख लाख अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने। गुरु के लिए हमारे दिल से आशीर्वाद निकलता है कि गुरु जी आपके लिए हमारे दिल से आशीर्वाद है,
आपने हमें इतना कुछ दिया है और हमारे जीवन को इतना संवारा है। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। सच में गुरु की बहुत महानता है। गुरु भगवान के शुक्राना।